कबहू काना कबहू काना कटार बने जाला हो रामशरण जी, बहुत मनोरंजन कर रहे हो। कुछ खबर भी है क्या? मेरी बहन गीता कॉलेज गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। वापस नहीं आई? नहीं। कहा नहीं आई ना? आपको पता बा? मुझे क्या पता? माधव साहब लेट हुई हैं। घंटा मारूंगा भी। क्या लेते होंगे भाई? परीक्षा। तो ऐसा क्यों नहीं कहता? परीक्षा हो तो ना। रामशरण, मैं उसका इंतजार करता हूँ। कुछ समय में नहीं आ जाती है तुम्हें जाकर के पता लगाना होगा, ठीक है? हर इच्छा आपकी। ठीक है। आ देखे भैया, ध्यान दे, ये हमारे भैया राधे से 11 रुपये दे रहे। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और ठीक ठाक हो? और गीता जी ठीक है? तुम कैसे हो? बढ़िया हूँ। अच्छे हो? हाँ। मेरे पिताजी कैसे हैं? आपके भाई? ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? ये खात मारूंगी भी। जाना है। कहाँ जाना है? देखो, मेरे यार से मिले हुए मुझे काफी दिन बीत गए, और ना जाने कब मुलाकात होगी। अच्छा, उसी से मिलने के लिए जाना है, लेकिन भैया से बहाना करके क्या तुम हमारी मदद करोगे? बिल्कुल करूंगा। अगर हमारी मदद करोगे ना, तो तुम जो चाहोगे सो तुमको मैं दूंगी। हाँ देबू। हाँ कि नहीं? जो भी खाओगे पियोगे सब। अच्छा, का खियाए सका तू? पागल है क्या तू? जो भी खाएगा, चाउमीन, बर्गर, समोसा, जलेबी, भजिया, छोला भटूरा, मक्खन पाव, रसमलाई, मावा, दही बड़ा, सकौड़ा, आप समझ गई? मुझे लगता है तीखा नहीं पसंद करता। ओ माय गॉड, ए रसगुल्ला खाएगा? रसगुल्ला हमारे दांत में फंसा था। पागल है क्या? इतना नाजुक, इतना मुलायम रसगुल्ला होता है। हमका तू भेली गुर्दे से खा दे बैठा रहा। पागल, जमाना कहां से कहां चला गया, और ये पागल आया तो आया कहां गुड़ पर। चल, तुझे बहुत सारे दो चार किलो गुड़ खाई दूंगी। दो चार भेली नहीं, केवल दो भेली चाहिए बस। ए, सब बात छोड़ो और ए, मेरी भरपूर मदद करना, ठीक है ना? चलना। कि आप मेरे भैया हैं, लेकिन मैं पिता के समान समझती हूँ। बहन क्या है? मैं बहुत से तेरा इंतजार कर रहा था बहुत देर से, लेकिन मेरी बात को सुनो, कुछ कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है भैया? बात सही a
हैं ज्यादा ना कह करके। सिर्फ थोड़े में मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा जब आया करती थी तो कॉलेज के एड्रेस में आया करती थी, मुझसे मिल करके तब रूम के अंदर जाती थी। हाँ भैया, लेकिन बात क्या है, आज नए नए कपड़े पहनकर आई हो, कहीं जाने की इरादा है और कुछ सोचा है? भैया ही जानना चाहता हूँ। बताऊंगी भैया, हमें समझ नहीं है मधुबा कि जब रोज आती थी तो कॉलेज के ड्रेस में कमल लिबास पहने बाई खराब हो गया। लिबास कहा जाता है कि कपड़ा कब ले से अभी खरीद कर मैंने दिया है। तो ठीक है बका, ये अच्छा चलो हटो हटो, बदतमीज रही तो। बहन से यानी यहाँ पर खड़ी है, बदतमीजी बोलता है। बहन जितनी बात मैंने पूछा है मेरी बात का जवाब चाहिए। जरूर है, बता रही हूँ। हाँ बोलो। सखी का सार गिरा है इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना है। भैया कभी आपकी क्या आज्ञा है, जल्दी कहो ना। बयान किया, तेरा दिमाग सारा ही खराब हो गया बाबू। क्या है, एक सहेली का साल गिर गया? नहीं साले, तो पत्ता गिर गया। बदतमीज कह कहो, साल गिरा कह रही, कहने का मतलब जिसे तुम जन्मदिन कहते हो, बर्थडे। हाँ बहन की था, देख मेरी इज्जत तू है, मतलब ये। हाँ भैया, तू सयानी हो गई है। जी भैया, अकेली मैं जाने के लिए सलाह दे दिया, रास्ते में तुझे कुछ हो गया तो मैं करूंगा क्या? अरे सही कहा, मां ने आज्ञा दे दिया, इंदौर ही यहां कहो, अब चली जा रहे हैं अकेले, आगे पीछे क्यों ना है, माल लिया कौड़ा सीटी बजा देता हूं। ऐसी सीटी में बहुत लुखा होती भैया। बिल्कुल करेक्ट बात कहा है तुमने, डायना की सीटी निकल। हाँ मैं समझ गया समझ गया, तेरा इशारा बहुत समझता हूँ। कहने का मतलब बात हकीकत तो कह रहा है, कहने का मतलब लड़के ऐसे हैं कि अगर लड़कियों को देखते हैं तो बदतमीजी से पेश आते।
हम जाने के लिए इंदौर इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। जमाना खराब है, समय खराब है भैया। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, चलो हटो, हट जाओ। भैया क्या है? प्लीज भैया, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी बात 100 बार इनकार इनकार करता हूँ, जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। रूठे भैया हमारे भैया, क्यों रोते मुता हमरे दिमाग में गोबर भरी है का? हाँ गोबर भरा रही है। मुते हम सब बार बार उसी के रिपीट करता है। ए भैया एक दाई जाए दे। क्या जाने दे? बिट्टी का राम सर, देख ये मेरी छोटी बहन है, इसकी हर इच्छा को मैं पूरी करता हूं। गराज जाने से निकाल कर देता हूं तो मैं तेरे में क्या सोचेगी? जब पिताजी होते मां होती मेरी तो जाने के लिए इजाजत दे देती, लेकिन कभी मैंने एहसास नहीं होने दिया कि इस दुनिया में मेरी मां नहीं है, मेरे पिता नहीं। खुद दिया गीता ध्यान देकर क्या हुआ भैया? जब कर ये बता कितने समय के लिए तुम जा रही हो? अरे भैया बहुत जल्दी वापस चली आऊंगी। जैसे अब जैसे क्या बताऊं, देखिए जाना तो अपनी मर्जी से होता है लेकिन वापस जाना होता तो उसकी मर्जी हो जाती है। मतलब एक दिन दो दिन तीन दिन तो ठीक है, ख्याल रखना जब दो तीन दिन के बाद घर वापस आओगी तो दिन ढलने के पहले तुम्हें आ जाना। हाँ भैया साफ होने के बाद खुद चली आऊंगी। दो चार दिन खाती ठीक बा, हाँ। ना एक महीना हो बिता दिया। जो मैंने कहा है दिन ढलने के पहले तुम्हें आ जा रहा है, जब तक तुम नहीं होगी ना मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। जरूर भैया जरूर। ठीक है ठीक भैया, राम शरण चले जाओ स्टेशन का टिकट कटाकर कोई गाड़ी पर बाकायदे मेरी बहन की जगह बिठा देना। जाओ भैया मिले तहीने। हे
बाबू क्या बाए कावा? अबे टाटा जानता है, टाटा बाय बाय जिसे तुम नमस्ते कहते हो। ओ टाटा बाय बाय क्या? क्या क्या बोला? अबे टाटा बाय बाय नमस्ते टाटा। चल राम शरण, और कुछ देखा तो बाटक चला नहीं कहा था। क्या देख रहा हो? क्या देख रहा हो? तो हर बहन करेले होगी। तू कैसी बात करता है? शादी भी करे ये नहीं कहता है कि बहन से आनी हो गई है, आप ख्याल नहीं रख रहे हैं कि शादी कब करेंगे कब नहीं। उम्र का माहौल कौन सा है? तो ठीक है राम शरण, एक अच्छा सा लड़का खोजो ताकि हम इसकी शादी कर दें, मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। कई साल के लड़के चाहिए? अरे मेरी बहन लगभग 18 साल की हो गई है। 18 का तो उसी हिसाब से मतलब 20-22 साल का लड़का खोजो। 22 साल का? हाँ। भंभर दिखाई की क्या है? कोई जरूरी है कि 22 साल का लड़का भंभर ही होगा, तगड़ा ही तंदुरुस्त होगा? मान लो 20 साल का चाहिए। हाँ चलो 20 ही का सही। मान लो 20 साल का ना मिल पास तो? अरे तो और हमारे तो बिचारी बा क्या, जब 20 साल का न मिले तो 10-10 साल का दो लड़कियां ठीक कह दी। अरे दिमाग खराब हो गया। अबे हम दो बच्चों से अपनी बहन की शादी करेंगे बे? एक एक कहा बा तू ही तो कह रहा, हमको इकट्ठे फूट करें सही। चल फैक्ट्री जाना है, बहन जब आएगी उसके विषय में सोचूंगा। चलो दीदी मैं आप लोगों को खोजने के लिए जरूर आऊंगा, मैं आप लोगों को खोजूंगा, आप लोगों के पैरों पर गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगूंगा, मुझे माफ करना। इस दुनिया का ऐसा कौन बेदर्द भाई होगा, कौन नालायक भाई होगा जो अपने बड़े भाई से नाता तोड़ेगा, अपनी बहन को अपने पर लगाएगा। हमें जिस भाई के बहन नहीं है उसके दिल से पूछिए किसके दिल के ऊपर क्या गुजरती है। और मैंने राखी के त्योहार के दिन अपने अपनी बहन को अपने बहन से टोकर लगा कर बना दिया। मुझे माफ करना दीदी, हम चलेंगे। देखो आप मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरी हालत देख रहे हो भैया, मैंने आप लोगों की सब दोस्तों की हर फरमाइश पूरी किया है, लेकिन आज मैं मुसीबत में हूं भैया, अपने इस गोविंद की मदद करो, मेरी बहन और भाई को ढूंढने मेरी मदद करो भैया। ढूंढने में मदद करो देखो, पहले साल पहले तुम्हारे पास पैसा करता और खिलाते तो खिलाते थे, मैं तुम्हारा बात मानता था, अब तेरे पास क्या बचा रे? तेरे पास क्या बचा? तुम्हारा नहीं, मैं तुम्हारा साथ हरी नहीं देने वाला हूं। Thank you.
मेरे नसीब में शायद नहीं